नमस्कार दोस्तों, इनसाइड इंजीनियरिंग चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं मार्किंग टूल्स का क्वेश्चन का पार्ट टू ले आया हूँ। तो जो जो भाइयों ने अभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहा है, या कोई स्टूडेंट जो ITI फिटर टर्नर वेल्डर मशीनिस्ट टूल डाई मेकर में नया एडमिशन लिया है, तो वो मेरा चैनल को फॉलो कर सकता है। तो दोस्तों, एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपका अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए। देखिए, मेरा वीडियो में तो व्यू आ जाता है लेकिन लाइक नहीं आ जाता, तो मैं समझ नहीं पाता। अगर मेरे वीडियो में कोई गलत है तो उसको आप कमेंट कर जनाइए, मुझे मुझे बताइए कि मेरा क्या गलती था। तो लाइक कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं PDF में डिस्कस करूँगा 20 क्वेश्चन के बारे में। तो मार्किंग टूल्स का पार्ट वन है, वो क्वेश्चन पार्ट वन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अब मार्किंग टूल्स का पार्ट टू क्वेश्चन सेट चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ग्रेड ए सरफेस प्लेट। तो सरफेस प्लेट दो ग्रेड में पाया जाता है, ए ग्रेड और बी ग्रेड। ठीक है, ए ग्रेड का सरफेस प्लेट का जो एक्यूरेसी है वो है 0.005 mm, और ग्रेड बी का जो एक्यूरेसी है वो है 0.02। आप कंपेयर करके देख सकते हो कि जो ग्रेड ए है उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच मेटल इज़ यूज्ड फॉर मार्किंग सरफेस प्लेट, लिफ्टिंग हैंडल और स्टैंड। मतलब सरफेस प्लेट के जो लिफ्टिंग हैंडल होता है जिसकी मदद से आप लिफ्टिंग कर सकते हैं, और जो स्टैंड होता है तो वो कौन सा मेटल से बना होता है, माइल्ड स्टील में। और एक बात भी बता देता हूँ कि मार्किंग टेबल जो है, मार्किंग टेबल का जो स्टैंड बना होता है वो भी माइल्ड स्टील से ही बना होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सरफेस प्लेट। तो इस बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस। मतलब कोई भी जॉब का फ्लैटनेस चेक करने के लिए, चेकिंग स्क्वायर एक्यूरेसी, मतलब कोई भी जॉब में अगर स्क्वायर शेप आता है तो स्क्वायर का कितना एक्यूरेसी है वो जानने के लिए, और ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी जानने के लिए भी हम सरफेस प्लेट का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ग्लास सरफेस प्लेट। देखिए, सरफेस प्लेट ग्रे कास्ट आयरन, ठीक है, ग्रेनाइट, सिरामिक से भी बना होता है, और एक चीज़ से भी बना होता है वो है ग्लास। ठीक है, तो ग्लास सरफेस प्लेट वो स्मॉल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका जो एक्यूरेसी है वो है 0.004 to 0.008 mm। ठीक है, ग्लास सरफेस प्लेट स्मॉल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, उसका एक्यूरेसी है 0.004 to 0.008। तो चलिए, व्हिच सरफेस प्लेट फॉर स्मॉल वर्क। तो एक ग्लास सरफेस प्लेट मैंने बोल दिया, तो चलिए देखते हैं आप जो जो एक्यूरेसी है। ठीक है, एक्यूरेसी के आधार पर सरफेस प्लेट को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है वर्कशॉप सरफेस गेज। वर्कशॉप सरफेस गेज का एक्यूरेसी है 0.001 और 0.025। वो 0.001 भी हो सकता है और 0.025 mm भी हो सकता है। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, यह है 0.001 और 0.0025 mm। और मास्टर सरफेस प्लेट जो होता है उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। पहला वाला तो वर्कशॉप, जो वर्कशॉप में यूज़ किया जाता है, दूसरा है कोई भी जॉब का इंस्पेक्शन के लिए, और लास्ट है मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट, वर्कशॉप सरफेस प्लेट और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का एक्यूरेसी के लिए भी चेक किया जा यूज़ किया जाता है। उसका एक्यूरेसी 0.0001 to 0.00025 mm होता है। तो सरफेस प्लेट इज़ यूज्ड फॉर मार्किंग बिकॉज, इसका आंसर क्या होगा, इट हैज़ मोर सरफेस एरिया, इट कैन विथस्टैंड विथ हैवी लोड्स, इट प्रोवाइड डॉटम सरफेस, और मार्किंग टूल कैन बी इजीली यूज्ड। तो देखिए, सरफेस प्लेट मार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है इस दौरान पर कि ये डॉटम सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, डॉटम सरफेस मतलब सरफेस प्लेट का जो ऊपरी सतह है वो प्रोवाइड करता है, इसलिए आप अच्छे से मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच एडवांटेज ग्रेनाइट सरफेस प्लेट नॉट हैव। मतलब ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का ऐसी कौन सी एडवांटेज है जो नहीं है। इट हैज़ बार्स ऑन क्रैचिंग। मतलब अगर आप
ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में कोई जॉब के दौरान अगर कोई स्क्रैच पड़ जाए, तो स्क्रैचिंग लग जाए तो उस पे ऊपर निशानी बन जाती है, ठीक है। तो ये ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का एक एडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो हाउ मेनी प्लेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सरफेस प्लेट, अगर आप सरफेस प्लेट बनाना चाहते हो तो कितना प्लेट आपको लगेगा? 3 प्लेट आपको लगेगा, ठीक है। हुईज टाइप ऑफ स्क्रैप आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सरफेस प्लेट, देखिए सरफेस प्लेट ग्रे कास्ट आयरन से बनाने के बाद उसके ऊपर डार्क स्पॉट आ जाता है, ठीक है। वो डार्क स्पॉट रिमूव करने के लिए फ्लैट स्क्रैपर यूज़ किया जाता है। आप शायद देखे होंगे कि कॉलेज में जब आप कोई जॉब को ऊपर फाइलिंग करते थे तो कुछ कुछ निशान ऐसा था कि जॉब के ऊपर तभी भी फाइलिंग करने की बाद भी लगा रहता था, तो उसको रिमूव करने के लिए स्क्रैपर यूज़ किया जाता है। और फ्लैट स्क्रैपर जो सरफेस प्लेट के ऊपर जो निशानी आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंगल प्लेट हैव रिब्स ऑन बैक साइड, व्हाट इज इट्स फंक्शन, मतलब एंगल प्लेट का रिब्स होता है, दोनों रिब्स होता है, तो रिब्स का फंक्शन क्या होता है? ये एंगल प्लेट को खड़ा होने में मदद करता है, ठीक है। टू हेल्प द एंगल प्लेट फॉर इजी सेटिंग, ठीक है, वो एंगल प्लेट को इजी सेटिंग के लिए भी मदद होता है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ पैरालीज, देखिए पैरालीज भी जॉब को सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है पैरालाल में, ठीक है। तो पैरालीज का शेप होता है रेक्टेंगुलर, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए एंड बी ग्रेड पैरालीज, तो ए ग्रेड जो पैरालीज है वो टूल रूम में यूज़ किया जाता है और बी ग्रेड का जो पैरालीज है वो मशीन शॉप में यूज़ किया जाता है। व्हिच टूल यूज्ड फॉर सेटिंग पैरालल जॉब ड्यूरिंग मशीनिंग, तो मशीनिंग के दौरान अगर कोई पैरालल जॉब को आप सेटिंग करना चाहते हो तो स्ट्रेट पैरेलल ब्लॉक है एंड एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। पैरेलल ब्लॉक्स मेड ऑफ व्हिच मेटल, पैरेलल ब्लॉक ज़्यादातर कार्बन स्टील से बना होता है। व्हिच टाइप ऑफ स्क्राइबर यूज फॉर ड्रॉ लाइंस इनसाइड अ इनर सरफेस, अगर कोई इनर होल हो या इनर सरफेस हो तो उस जगह पर आप बेंड स्क्राइबर जो जिसका एक लेग बेंट होता है तो वो बेंड स्क्राइबर का आप यूज़ कर सकते हो इनर सरफेस में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो हुईज टाइप ऑफ स्क्राइबर इज़ यूज्ड ऑन वर्नियर हाइट गेज, यह है ऑफ साइड कैलिपर, ऑफ साइड स्क्राइबर। तो आप ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा स्क्राइबर है जो वर्नियर हाइट गेज में यूज़ होता है, यह है ऑफसेट स्क्राइबर। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ऑफसेट स्क्राइबर, ऑफसेट स्क्राइबर का अनदर नेम है नाइफ स्क्राइबर। जब आप 30 डिग्री टू 35 एंगल डिग्री एंगल शुड बी कीप बिटवीन स्क्राइबर एंड जॉब सरफेस, मतलब आप जब जॉब सरफेस में स्क्राइबिंग कर रहे हो तो उसका दूरी रखना चाहिए, ठीक है, एक गैप रखना चाहिए, वो गैप है 30 डिग्री टू 35 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो वो आप कमेंट में रिव्यू कर मुझे बताइए, और प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।